मेरी प्रथम कविता का शीर्षक है पहाड़ पर कविता के लिए। जब भी कोशिश करती हूँ पहाड़ पर कविता लिखने की, तो सफ़ेद कागज़ पर उकेरे अक्षर पहाड़ बनकर उभरने लगते हैं। ढुलकती दवात की सारी स्याही, सूखते नौलों में उगी काई बनकर जम जाती है। धारदार कुल्हाड़ी से कटते जंगल की तरह गिरने लगता है एक एक अक्षर और बिछ जाता है सफेद कागज से लेकर बाजार की कालिख तक। उधरती चोटियों पर लगे कंक्रीट के पैबंदों में उलझकर मेरी कलम भूल जाती है अपना रास्ता और लौट आती है सीधी मैदानी सड़कों पर। एक बार फिर मैं नहीं लिख पाती पहाड़ पर कविता, के लिए पहाड़ पर कविता लिखनी पड़ती है। दूसरी कविता का शीर्षक है यूरोप में शरणार्थी। जब समुद्र के किनारे एक बच्चा मरा हुआ मिलता है तब समुद्र शांत रहता है और कोई सुनामी नहीं आता। जब ट्रेन से धकेल कर लोग फेंके जाते हैं तब दुनिया की तमाम रेलगाड़ियां बिना रुके चलती रहती हैं। जब मनुष्यों के भीतर घुसाने के डर से कटीले तारों की बाढ़ें लगाई जाती हैं तब जमीन पर उगा हर बबूल, नागफनी और गुलाब अपने बदन के कांटों पर शर्मिंदा नहीं हो उठता। जब पटरियों पर बच्चे लेट जाते हैं और उनकी माएं भूख से बेहोश होकर गिर पड़ती हैं तब कहीं एक शराबी नशे में धुत होकर निर्वस्त्र औरतों पर नोट फेंकता है। जब मृत शरीरों को नोचने के लिए गिद्ध न मिलते हों और लकड़ी कम पड़ने पर प्लास्टिक के ताबूत बनाने पड़े, ठीक उसी वक्त हम आसमान देखकर एक ठंडी आह भरते हैं और दोपहर से रात के बीच का फासला हमें लंबा महसूस होता है। लौटती लहरों के साथ बह आए ऑक्टोपसों के बीच से पैर बचाते हुए हम एक और दिन रात होने से पहले घर लौट आते हैं कि हम थक गए हैं, और सोना चाहते हैं। कयामत आने में अब भी वक्त है। बहुत बहुत